ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। बजट इजलास पंजाब विधानसभा के तीजे दिन की कार्रवाई शुरू। अज भी हंगामे के असर, वख-वख विरोधी पार्टियां वालों किए गए धरने प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के बाहर किया रोस मार्च। कैप्टन सरकार की कारगुजारी से उठाए सवाल। राहुल गांधी ने मनिया देश से एमरजेंसी लाना दादी की गलती सी। कहा जाता है एमरजेंसी की नींव 12 जून 1975 विच सी रखी गई। सोशल मीडिया से हथियार न लैस होकर खिंचवाइया तस्वीर वीडियो नु किता वायरल। केस दर्ज, मामला तरन तारण दे पट्टी का। विदेशों में वसदे पंजाबियों नूं मिली वड्डी राहत। दुनिया के किसी भी कोने च करवा सकणगे इह काम। वैबसाइट के जरिए होणगे वख-वख मामलों के निपटारे। अते हुण खबरां विस्थार नाल। पंजाब विधानसभा के बजट इजलास के तीजे दिन की कार्रवाई शुरू हो गई है। विधानसभा च भी हंगामे के असर दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी वालों महंगाई के मुद्दे से सरकार खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। इस दिल्ली पार्टी के विधायक विधानसभा वल पैदल मार्च कर रहे हैं। बजट इजलास के पहले दो दिन भी काफ़ी हंगामा भरपूर रहे। इस दौरान अकाली दल से आम आदमी पार्टी वालों वख-वख मुद्दों से सरकार को घेरिया गया। दसनयोग है कि पंजाब का बजट पहला 5 मार्च को पेश होना सी, पर हुण यह बजट 8 मार्च को पेश होने की संभावना जाहिर की जा रही है। विधानसभा सैशन के दौरान जिथे अकाली दल वालों धरना प्रदर्शन किया गया, उथे आम आदमी पार्टी वालों विधानसभा विखे रोस मार्च किया गया, जिस दौरान सीनियर मैंबर अमन अरोड़ा भी मौजूद रहे, जिन्हें कैप्टन सरकार की कारगुजारी से सवालिया निशान लगाए। साबका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वालों देश चलाई गई 1975 च एमरजेंसी नूं गलत मानते हुए कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने आख्या कि उस समय जो कुछ होया वह गलत सी, पर इस समय जो हो रहा है वह मूल रूप विच वख है। तो कांग्रेस ने कदे भी देश दे संस्थानां नूं अपने कब्जे च लैण की कोशिश नहीं की। उन्हें कहा कि अपनी गलती मान लेना साहस का काम होंदा है। राहुल गांधी ने एमरजेंसी नूं गलती मान के एक बार फिर कांग्रेस लई अजीब स्थिति पैदा की है। स्वतंत्र भारत के इतिहास विच सब तो विवादपूर्ण दौर सी। एमरजेंसी दौरान चोणां मुलतवी कर दित्तियां गईयां सन। यह स्वतंत्र भारत का सब तो विवादपूर्ण पड़ाव भी मनिया जाता है। अगले ही दिन 26 जून नूं सारे देश ने रेडियो ते इंदिरा गांधी की आवाज़ च एमरजेंसी का ऐलान सुनिया। एमरजेंसी के पिछे बहुत सारे कारण ने, जिन्हां विचों सब तो महत्वपूर्ण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 नूं इंदिरा गांधी खिलाफ दिता फैसला है। थाना सदर पट्टी की पुलिस ने असले नाल लैस होकर खिंचवाईया तस्वीर ते वीडियो सोशल मीडिया से वायरल करन दे दोष हेठ एक व्यक्ति खिलाफ केस दर्ज किया। इस संबंधी इंस्पैक्टर हरिंदर सिंह ने दसिया कि वह बस अड्डा सबरा विखे नाकाबंदी दौरान मौजूद सी। उन्होंने सोशल मीडिया से एक पोस्ट विखाई दी जिस विच एक नौजवान असला फड़ के डराउंदा धमकाउंदा विखाई दे रहा है। नौजवान वालों पाई गई अजिही पोस्ट च समाजिक बुराइयां नूं उत्साहित किया गया। इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करदिया इंस्पैक्टर हरिंदर सिंह ने नौजवान सुखबीर सिंह पुत्र कुलदीप सिंह वासी सबरा विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिता है ते अगलेरी कार्रवाई करनी शुरू कर दिती है।
पंजाब सरकार ने विदेशां च वसदे पंजाबियां नूं वड्डी राहत दिंदिआं उहनां दे परिवारिक जायदाद नाल संबंधित अते होरनां मामलिआं दे निपटारे लई वैबसाइट की शुरुआत की है। पंजाब स्टेट प्रवासी भारती कमिशन की इस वैबसाइट www.nricommission.punjab.com नूं मिनी सकत्तर स्थित कमिशन के दफ्तर विखे संखेप समागम दौरान लॉन्च किया गया। विदेशों च रहिंदे पंजाबियां दी इमीग्रेशन, राष्ट्रीयता, विआह, माता पिता दरमियान बच्चों संबंधी झगड़े, पति पत्नी की देखरेख, व्याह संबंधी जायदाद की वंड, देश तो बाहर बच्चा गोद लेना, वारिस गैर कानूनी प्रवास, नौकरी संबंधी माड़े हालात, भारतीय जायदाद की किराएदारी, सैरोगेसी प्रबंध अते होरना मुद्दियां दे हल लई पंजाब राज NRI कमिशन का गठन साल 2011 च किया गया सी। सरकार ने आने वाले हाड़ी मार्केटिंग सीजन 2021-22 विच 427.36 लाख टन कणक की खरीद होने की उम्मीद जताई है, जो कि पिछली वार नालों लगभग 10% ज्यादा है। पिछली वार 399.93 लाख टन कणक खरीदी गई सी। पंजाब विच कणक की खरीद 130 लाख टन होने का अनुमान है। भारतीय खुराक निगम अनाज की खरीद ते वंडली नोडल एजेंसी है, जो खुराक कानून अते होर भलाई स्कीमां दी इन सप्लाई लई घट्टो घट समर्थन मुल ते किसानां कोलों कणक ते चौल खरीदी है। राष्ट्रीय खुराक सुरक्षा कानून तहत केंद्र 80 करोड़ तो वध लोकां नूं 5 किलो कणक ते चौल हर महीने भारी सबसिडी दरां ते 2 तों 3 रुपए प्रति किलो दे हिसाब नाल दिंदा है। सिंगू बार्डर ते किसान इकट्ठ दे 94 दिन किसानां ने सरकार ते कारपोरेट घराणियां दा पुतला फूक के विरोध प्रगट कीता। सिंगू बार्डर ते किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने मंगलवार नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तों इलावा कारपोरेट घराणियां दा पुतला फूकिया। किसानां ने दस्सिया कि किसान जथेबंदी ने पुतला साड़ के सरकार प्रति रोस जाहिर कीता है ते मंग कीती है कि हर हालत विच 3 खेतीबाड़ी कानून रद्द कीते जाण। किसान नेतावां ने ऐलान कीता कि कौमांतरी महिला दिवस नूं समर्पित एक प्रोग्राम सिंगू ते कुंडली बार्डर ते 8 मार्च नूं आयोजित कीता जाएगा ते इसे दिन शाम नूं कैंडल मार्च भी कढ़िया जाएगा। पिछले दिन 18 फरवरी नूं किशनपुरा कलां दी नहर चों मिली लाश 23 साल दे नौजवान सरबजीत सिंह जुब्बा ने कई सवाल खड़ा कर दिते ने, क्योंकि मौत तो 13 दिन पहला नौजवान ने जलंधर दे पिंड भोडे दी कुलविंदर कौर नाल लावां लईआं सन। इस नूं कतल दी वड्डी साजिश दसदिआं मृतक दे पिता जोगिंदर सिंह ने पुलिस नूं दरखास्त दित्ती सी। पुलिस वल्लों कारवाई करदिआं कातलां दा पता लगा के जरनैल सिंह ते राजवीर सिंह वासी भोडे नूं गिरफ्तार कर लिआ ते तीसरा दोषी छिंदी अजे फरार है। किशनपुरा कलां दे मुख मुंशी ने दस्सिया कि मृतक दा व्याह 7 फरवरी नूं भोडे दी कुलविंदर कौर नाल होया सी ते जरनैल सिंह खुद कुलविंदर कौर नाल संबंध बनाउणा चाहुंदा सी ते इन्हां दोवां दे पहलां तों ही प्रेम संबंध सन। मौत तो 2 दिन पहलां भी कुलविंदर कौर जरनैल कोल सी अते कुलविंदर कौर ने कहा कि उसका विआह घरदिआं ने उसकी मर्जी तो बगैर कर दिता है, जिस करके जरनैल सिंह का मकसद ना पूरा होने करके उसने रंजिश अपने 2 साथियों नाल मिलकर सरबजीत सिंह जुब्बा का कतल कर दिता। पंजाब विधानसभा दे सैशन दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि सूबे भर विच लिंक सड़कां दी मरम्मत दा काम तेजी नाल चल रहा है ते अगले 1 साल विच इह मुकम्मल हो जाएगा। एक सवाल दा जवाब दिंदे होए कैप्टन कि 34,977 किलोमीटर लिंक सड़कां ते मुरम्मत दा काम चल रहा है, जो अप्रैल तक पूरा होने की संभावना है। इस तों इलावा 6,162 किलोमीटर दी इक होर लिंक सड़कां दा काम अगले वित्त साल तक खत्म होने की उम्मीद है। इस दे नाल ही 17,600 किलोमीटर लिंक सड़कां ते 82 करोड़ की लागत नाल पैचवर्क करन दा काम भी शुरू किया गया है। दस दईए कि पंजाब विधानसभा का बजट इजलास 1 मार्च तो 10 मार्च तक जारी है। इस दौरान 5 मार्च नूं पंजाब दा बजट पेश किया जाएगा। सैशन दा दूजा दिन भी काफ़ी हंगामेदार रहा सी।
जलंधर कमिश्नरेट पुलिस अधीन आउंदे सारे पिंडां विच रात 8 तो सवेरे 5 बजे तक ठिकरी पहरे लाउण अते पहरे ते तैनात रहण वाले लोकां दी सूचना संबंधी थाने दी पुलिस नूं देण दे हुकम जारी कीते गए ने। इस दे नाल ही कमिश्नरेट पुलिस दे अधीन आउंदे सारे मैरिज पैलसां, होटलां दे दावत हाल, विआह समारोह अते होर समाजिक समारोह विच पब्लिक वल्लों हथियार लै के जाण ते पाबंदी लाउण अते होटलां ते मैरिज पैलसां दे मालकां नूं सीसीटीवी लगवाउण दे निर्देश जारी कीते गए ने। डीसीपी जगमोहन सिंह ने दसिया कि इस दे नाल ही रात 10 बजे तो सवेरे 5 बजे तक कोई भी व्यक्ति शहर विच ढोल हॉर्न अते किसी तरह की आवाज़ पैदा करने वाले कोई भी यंत्र नहीं बजा सकेगा ते ना ही साउंड एम्पलीफायर का इस्तेमाल कर सकेगा। पछमी बंगाल विधानसभा चोणों तो पहला सूबे विच सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेतावां वालों पार्टी छड़ना जारी है। इस लड़ी विच पछमी बर्धमान जिले के पंडावेश्वर तो दो वार दे पार्टी विधायक अते आसनसोल के साबका मेयर जतिंदर तिवाड़ी मंगलवार को भाजपा विच शामिल हो गए। तिवाड़ी ने तृणमूल कांग्रेस की अगवाई विरुद्ध बगावत की सी पर भाजपा वालों पिछले साल दिसंबर विच उन्होंने पार्टी विच शामिल करने तो इनकार करने तो बाद निराश हो गए सन। वह हुगली जिले के श्री रामपुर विच एक प्रोग्राम विच भाजपा प्रदेश मुखी दिलीप घोष की मौजूदगी विच भाजपा विच शामिल हुए। खेती सुधारां दे नां ते लियांदे गए कानूनां नूं रद्द कराउण दे लई लगातार किसान दिल्ली दीआं सरहदां ते डटे होए ने। बेशक कुदरत ने भी मौसम दे विच बदलाव शुरू कर दित्ता है, हुण सर्दी तो गर्मी आउणी शुरू हो गई है, पर सरकारां दी गर्मी बरकरार है ते किसान ने भी लंबी लड़ाई दे लई तैयारियां शुरू कर दित्तियां ने। इह तस्वीरां दिल्ली दे टिकरी बार्डर दीआं ने जिथे कि किसानां वल्लों एसी ट्राली दा प्रबंध कीता गया है। इह ट्राली मानसा दे पिंड उड़त भगत राम ते डेलुआणा पिंडां वल्लों एसी ट्राली तैयार कीती गई है कि बुजुर्गों नूं गर्मी तो बचाया जा सके, जिस दे विच एसी दा प्रबंध है ते एलईडी अते सीसीटीवी कैमरे लगे हुए ने। किसानां ने गर्मी नाल ते सरकार नाल लड़न दीआं लंमियां तैयारियां शुरू कर दित्तियां ने। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के मौसम महकमे ने मौसम के मिजाज को लेकर विशेष बुलेटिन जारी किया है। इस दौरान यह संभावना प्रगट की गई है कि आने वाले 24 घंटे दौरान मौसम का मिजाज तो खुश्क बनिया रहेगा, पर लुधियाना ते नेड़े दे इलाकों च हनेरी रूपी तेज हवावां जनजीवन को प्रभावित जरूर कर सकदियां ने। ये सन साडियां अज दियां खबरां, नवियां ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्नवाद।